Press the bell icon on the YouTube app. Never miss another update. But I feel that as a team together, अगर हम aligned हो जाएं, एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे की personality से connect कर पाएं, I think together we can perform a lot more. It's this non-alignment. और जब teams काम करती हैं ना, तो teams काम करती हैं तो issues आते हैं. जब teams काम करती हैं तो कुछ ना कुछ खलबन होती है, कुछ ना कुछ भेदभाव होता है, मन मुटाव होता है, कुछ ना कुछ challenge होता है. Because that's what teams are supposed to do. They're supposed to work. और उस वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा फ्रिक्शन होता है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो समझ लेना प्रॉब्लम है, बिकॉज कुछ काम नहीं हो रहा है. जब काम हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा. वो फ्रिक्शन दूर करने के लिए एक राउंडिंग लगती है, और राउंडिंग का मतलब एक दूसरे की समझ लगती है. और जब वो समझ नहीं होती है, वो राउंडिंग नहीं होती, वो फ्रिक्शन एक बड़ा रूप ले लेती है. इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को समझें, विच इज बियॉन्ड वर्क. एंड दैट्स रीजन आई कॉल्ड यू. And I want you also to go back with this thought process. कि आप भी अपनी companies में, अगर आप नहीं करते हो, मुझे मालूम पड़ा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी companies में नहीं करते हो, have some cultural events, have some rounding. We saw something which we had not seen while we were working together as a team for business. और जब हम वो एक पहलू देखते हैं जो हम अक्सर रोज नहीं देखते, तो उस पहलू से एक rounding आती है रिश्ते में, और उस रिश्ते की rounding की वजह से फिर एक friction को handle करने की क्षमता बढ़ती है. आज के दौर में whether it be team and bosses, whether it be friends and friends, whether it be at home, in-laws and laws, whether it be spouse and spouse, आज हमारी patience की जो level है वो क्षमता बहुत कम हो गई. जरा सा friction होता है, we want to give up. जरा सा कोई challenge आता है, we want to just raise our hands and say नहीं, नहीं होगा. हम लोगों का tolerance level बड़ा कम हो गया. और टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने का एक ही तरीका है, क्या हम एक दूसरे को और ज्यादा समझ सकते हैं? कैन वी बी विद ईच अदर इन एरियाज इन सिचुएशंस विच आर अदर देन व्हाट वी आर ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो क्या घर में हम जब बच्चों के साथ होते हैं, कैन वी टॉक समथिंग एल्स अदर देन तूने कितने पढ़ाई करी, और जो कसर थी माओ ने पूरी कर रखी है, पापा आएंगे पिटवाऊंगी. जब पापा नहीं हो गया, पापा की कोई सुनता नहीं ऑफिस में, उस पापा से पिटवाओगी. तो अलग ही इमेज बना के रखिए. सो यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू टॉक टू द चाइल्ड. यू आर टॉकिंग टू हिम अबाउट हिज स्टडीज, हिज स्कूल. हस्बैंड वाइफ, यू डोंट हैव नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम सम बेसिक कम्युनिकेशन. तो फिर जब कुछ और बात करने को नहीं है तो राउंडिंग नहीं होती. राउंडिंग नहीं होती तो एक टॉलरेंस लेवल नहीं बढ़ता. टॉलरेंस लेवल नहीं बढ़ता तो फ्रिक्शन को हैंडल करने की एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. और फ्रिक्शन तो आने वाला ही है, अगर साथ हो तो आएगा ही.